बाढ़ में कहाँ थे, विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, अस्पताल तुम्हारे हाथ में था क्या हुआ, कोरोना का क्या हुआ, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम बीजेपी के पास था क्या हुआ। चुनाव हम तीन कारणों से हारे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए, एक है बालू, दूसरा है पासी समाज तारी और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे। प्रत्याशी पर क्या करना? दूसरा चीज प्रत्याशी, जब एक साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे, और जब मंत्री बने थे और मंत्री से लेकर अभी तक 30% जादवों ने वोट नहीं दिया और 24,000 वोट, ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। हमें दो तीन बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक है, चाहे कोई भी माझी साहब हो, CPI हो, अन्य लोग हो, नहीं छोटे छोटे वो नहीं, जाप भी हो, गैमलर नहीं, जाप भी, जाप की चिंता छोड़ दीजिए, जाप एक विपक्ष एक आवाज है, हम अनुकंपा और विसाखी के सारे नहीं चलते, हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में, जो नोटबंदी GST मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर मैं उनके बारे में, हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात। शराबबंदी पर क्या कहेंगे, क्या हटा देना चाहिए, नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा। सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, हमको आत्ममंथन आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा, हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा, गरीब और मिडिल क्लास लोग। दो तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा, किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो।